बहुत से जो लोग हैं उनको होता है कि भाई अभी तो हम दूध ले रहे हैं, इस चक्कर में गाय की कुछ कदर तो है। अगर दूध को आप बहिष्कार करने को कहते हो तो गाय की बिल्कुल ही बेकदरी हो जाएगी। नहीं, वो ये बात अभी अगले 5-10 साल के स्कोप में कह रहे हैं। बात तो ये है ना कि वो जो गाय आई है वो आई कहाँ से है? अगर आप दूध नहीं ले रहे हो तो गाय पैदा नहीं होती। खेल तो सारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का है ना। तो लोग कहते हैं देखिए, अगर हमने दूध पीना बंद कर दिया तो सारी गायें सड़कों पर आ जाएंगी, फिर तो उनके और बुरा हाल होगा। और ये सब साहब, आपने अगर दूध और पशु शोषण से जो और उत्पाद आते हैं वो छोड़ दिए तो ये गायें पैदा ही नहीं होंगी। हम क्या सोच रहे हैं? असल में दूध पीने वालों को पता ही नहीं है कि उनका दूध आता कहाँ से। पहली बात तो ये है, ना तो उनका गाँवों से कोई ताल्लुक है और ना उनका डेयरी फार्म से कोई ताल्लुक है, ना वो जानते हैं कि बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स किस तरह से काम करते हैं। तो उनके दिमाग में पता नहीं कौन सी बहुत बचकानी सी और जुवेनाइल छवि है कि गाय होती है, गाय दूध देती है, और बस इतना उनको पता है, एक गाय होती है, गाय दूध देती है। तो वो गाय आती ही कहाँ से हमें नहीं पता। अभी हालत ये है, मैं थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहा था ना, उसमें जितना मैं मुझे पता है बताता हूँ। आम गाय जो होती है हिंदुस्तानी देसी, वो 10 लीटर के आसपास से शुरू करती है दूध देना। और जो उसका मालिक होता है वो ये इंतज़ार भी नहीं करता कि उसका दूध जब गिरने लगे, 10 लीटर से 5 लीटर हुआ, फिर 4 लीटर हुआ, फिर 2 लीटर हुआ, कि वो पूरा ही दूध देना बंद कर दे तब उसको इंसेमिनेट करें। वो 2-3 लीटर पे आती है उसी समय उसका कृत्रिम गर्भाधान करा दिया जाता है, जो कि उसके शरीर के लिए बहुत गलत है। और ये कर करके जो उसकी आंतरिक व्यवस्था है, वैसे सोचिए कि एक मादा है जो हर समय गर्भ से है, उसका क्या हाल होगा? हम इंसान हैं, हम जानते हैं ना कि स्त्रियों का अंदरूनी जो तंत्र होता है वो कैसा होता है। आप उसको लगातार गर्भ से रख रहे हो तो उसका क्या हाल होगा? अभी वो दूध दे ही रही है और उसको फट से जा करके इंसेमिनेट कर दिया आपने। ये करते करते वो अंदर से बिल्कुल हो जाती है खोखली और 7-8 साल से ज़्यादा वो चलती नहीं है। और फिर क्या किया जाता है? फिर वो हो जाती है एक लाइबिलिटी, क्योंकि अब आपको उसको खिलाना है और वो आपको दूध दे नहीं सकती है। तो फिर आप सोच लीजिए ना कहाँ जाती होगी। और ये बात पता नहीं क्यों हमारे दूध पीने वाले भाई बहन सोचते ही नहीं बिल्कुल, कि जिस दिन गाय ने दूध देना बंद कर दिया उस दिन वो गाय पालने वाले के लिए, किसान के लिए वो क्या हो गई? वो एक लाइबिलिटी हो गई। अब तो दूध देगी नहीं, लेकिन अभी वो जिएगी, अभी वो कम से कम 4 साल 6 साल और जिएगी। तो अब उसका क्या होगा? उसका यही होगा कि वो बूचड़खाने में जाएगी। और क्या होगा उसका? जो बछिया पैदा हुई वो तो ठीक है, तो गाय बन जाएगी, छोटे बछड़े का क्या होगा? उसको कौन पालेगा? उसका क्या उपयोग है? तो कटता है। तो ये कहना कि अगर हमने गौ पालन छोड़ दिया तो गायें सड़कों पर आ जाएंगी, बहुत ही मतलब एकदम मूर्खता की बात है भाई। वो जबरदस्ती पैदा किए जाते हैं, चाहे गाय हो, चाहे 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 पोल्ट्री हो, बकरा हो, कुछ भी हो, वो अपने आप थोड़ी टपक रहे हैं आसमान से। तुम उनका शोषण करना बंद करो तो उनका ये जो जबरदस्ती का दिया हुआ जन्म है ये भी बंद हो जाएगा।